घर में अपने अंडे पर नहीं भी बैठी रहेगी तब भी उसमें से चूजा निकलेगा। हाँ, लेकिन जैसा कि हमने देखा उसे सही गर्मी मिलना जरूरी है। डिंडिंग, तुम इस तरह फ्रिज में क्या ढूंढ रहे हो केनिची? ये देखो अंडा। केनिची, तुम ऑमलेट बनाने जा रहे हो क्या? नहीं, मैं एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के बारे में मम्मी को बताना पड़ेगा। अयोड़ा, मैं तो बस इस अंडे से चूजा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर वो बड़ा होकर मुर्गी बन जाएगा। और अगर हमारे घर में ही मुर्गी होगी तो हम भी संडे हो या मंडे रोज खा सकेंगे अंडे, फिर रोज ऑमलेट और भुर्जी। मेरे मुँह में पानी आ रहा है, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। डिंग डिंग। अभी ये तैयार नहीं हुआ है, बहुत वक्त लग रहा है। मुझे तो लगता है इसे सही गर्मी नहीं मिल रही है। क्या कहते हो केनिची? सही कहा हथौड़ी। बाहर तो बहुत ठंड है। मम्मी रुक जाओ, इस टेबल के नीचे मत बैठो प्लीज। लेकिन क्यों केनिची? हम आपको इसकी वजह नहीं बता सकते। आप यहाँ से बाहर चली जाइए, हम जरूरी काम कर रहे हैं। अजीब है। अच्छा हुआ मम्मी चली गई, वरना तो अंडा फूट ही जाता। बड़ी अजीब बात है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब इतनी गर्मी भी इसको सहने के लिए काफी नहीं है। तुम्हें बताओ अब क्या करें हथौड़ी? सोचता हूँ, मैं अपनी एक बुक में देख कर आता हूँ, तब तक तुम इसका ऐसे ही ध्यान रखो। मैं बस अभी गया और अभी आया। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए अंडा तैयार नहीं हो पा रहा। चल गया चल गया चल गया। ये कैसी आवाज थी? ये तो एकदम उबले अंडे जैसा हो गया। वो तो होना ही था। ओ, अब समझा, मतलब हर अंडे से चूजा नहीं निकलता है। हाँ बिल्कुल, जब तक मुर्गी अपने शरीर की गर्मी अंडे को नहीं देती है तब तक उसमें से चूजा नहीं निकलता है। कहने का मतलब ये है कि जो अंडे हम मार्केट से लाते हैं वो उबाल कर खाने वाले होते हैं, उनमें से चूजा नहीं निकल सकता। मैं इनमें से कोई भी ले सकता हूँ? हाँ, तुम ले सकते हो। कौन सा वाला ले? चूजा निकलने वाला है। पहाड़ों के ऊपर जंगल के बाहर देखो बाहर अपने शहर। कुछ तो गड़बड़ है। इस बार अंडे में से चूजा जरूर निकलेगा। मैं तो इसी का इंतजार कर रहा हूँ। ये तो चूजे वाला अंडा है। आज तो मेरी दावत हो गई, यहाँ कोई नहीं है। आजा आजा। ये मुझे क्या हो रहा है? कि यो तुम एक मुर्गी हो जो अंडों को गर्मी देकर उनमें से चूजा निकालती है। जल्दी से अंडे को पूरा कवर करो और उसमें से चूजा निकालो। हाँ, मैं मुर्गी हूँ, मैं अंडे से चूजा निकालूंगा। अच्छा हुआ जो मैं समय पर पहुँच गया, नहीं तो ये से खा जाता। मैं मुर्गी हूँ। अब देखते हैं कि इससे फायदा होता है कि नहीं। क्या है मुर्गी, पहले देखी नहीं क्या? मुझे तो
यकीन नहीं होता कि क्यों मुर्गी की तरह एक अंडे पर बैठा। हतौड़ी, कहीं ये तुम्हारा कमाल तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये मेरी निंजा टेक्निक का ही कमाल है। मुझे कुछ कैसे लगती है? लगता है चूजा बाहर आ गया। बोलो बेटा मम्मा, बोलो बोलो मम्मा। मतलब हम बत्तख का अंडा लेकर आए थे और वो बच्चा समझ रहा है। ये कौन है? वैसे हमारा एक्सपेरिमेंट तो कामयाब रहा, लेकिन मुर्गी के बच्चे की जगह बत्तख का बच्चा निकल आया। डिंग डिंग। घर की सफाई करना आसान नहीं है। डिंग डिंग। सुनो बच्चों, जरा जल्दी जल्दी लाओ। ये बहुत भारी है, लेकिन हम इसको उठाकर बाहर क्यों ले जा रहे हैं तोड़ी? इससे साल में एक बार घर की अच्छी तरह सफाई होती है। पर घर की सफाई करने की जरूरत क्या है? सफाई से घर की सारी गंदगी और बदबू बाहर निकल जाती है और हमें बिल्कुल फ्रेश महसूस होता है। मैं कुछ मदद करूं? शीशी मानू, तुम जाकर खिड़की साफ कर दो, ठीक है? ठीक है मम्मा। अरे वाह शिशुमानो, तुम तो बहुत अच्छी तरह सफाई कर रहे हो। अभी और चमकाना बाकी है। अरे शिशुमानो, ये खेलते हुए सफाई करने का आइडिया तो बहुत अच्छा, मैं भी मदद करूँगा। नहीं शुक्रिया, मैं अपना काम अकेले करता हूँ। मम्मी, आपकी मदद करूँ क्या? ठीक है प्यारे शिंजो, मैं खेलते हुए सारे काम कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ तुम खेलने में बहुत होशियार हो। हाँ, लोगों को यही लगता है कि मैं जो खेलने में होशियार हूँ, कोई मुझे काम में मदद करने दे नहीं रहा, मैं क्या करूँ? हाँ, गंदी हो गई, मैं अभी उसे साफ कर देता हूँ। हाँ आजा गुदिया। पानी में। शिंजो, अब बहुत हो गई मदद, जाओ जाकर बाहर खेलो, जाओ। अच्छा ठीक है। अरे वाह, लगता है काम करने में बहुत मजा आता होगा। आप लोग क्या काम कर रहे हो? हम गद्दे को पीट पीट कर इसमें से धूल निकाल रहे हैं। मैं भी निकाली हूँ धूल। प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो शिंजो। तुम अच्छे बच्चे हो और अच्छे बच्चे किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। जाओ बाहर जाकर खेलो। आप सब लोग सफाई सफाई कर रहे हो, मुझे नहीं खेलने दे रहे हो। मैं जा रहा हूँ। शिंजो सॉरी, यहाँ जानबूझ के क्या? ना जाने शिंजो को कभी कभी क्या हो जाता है। अब क्या करूँ मैं? अरे वाह कॉमिक बुक्स, चलो इसी को पढ़ के टाइम पास करते हैं। अरे वाह क्या सीट है। हाँ मैंने सफाई कर दी है। शिशु मैनो, जरा जाकर बाथरूम साफ कर दो। क्यों? ठीक है। शिंजो यहाँ क्या कर रहा है? चलो अच्छाई है, जब तक हमारी सफाई का काम खत्म होगा तब तक ये यहाँ आराम कर लेगा। सी ड्रीम्स। ये क्या, आप भी पुराने न्यूज़पेपर्स लेकर बैठ गए? हाँ बस थोड़ी देर और। कितनी बढ़िया सफाई कर रहा हूँ मैं। बस हो गया। मुझे लगता है वो 5 रुपए का सिक्का था।
तो बोतल का ढक्कन है। बाथरूम तो सितारों की तरह चमक रहा है, क्या बात है। बस अब ये कबाड़ बाहर फेंकना बाकी है और फिर सफाई पूरी हो जाएगी। आज बहुत सारा काम किया है, भूख लग रही है। तो चलो फिर आज बाहर ही खाना खाते हैं। गुड आइडिया, शिंजो को बाहर का खाना बहुत पसंद है। लेकिन शिंजो है कहाँ? हाँ हाँ, वो तो काफी देर से दिखाई ही नहीं दिया। ओ नहीं, वो सब गड़बड़ हो गई। क्या हो गया मम्मी, घबरा क्यों रही हो? शिंजो तो इस कबाड़ में था जिसे हम कचरा समझ कर अभी अभी बाहर फेंक कर आए हैं। है? कचरे में फेंक दिया? कहाँ नहीं है? हाँ पर वो कहाँ जा सकता है? शिंजो, मैंने सारे बॉक्स अच्छी तरह से चेक कर लिए, कहीं नहीं मिला। देखिए ना मम्मी, वो यहाँ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? मैं सोच रहा हूँ शिंजो कहीं वहाँ तो नहीं पहुँच गया। हाँ मैं समझ गया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैं अभी पता लगाता हूँ। हाँ। देखो यहाँ कोई है। कौन है वहाँ? हाँ? इसे उठा कर देखता हूँ। शिंजो मर गया। ये तो यहाँ गहरी नींद सो रहा है।